देश के कर्मचारी लोग हैं, इनकी पुरानी पेंशन की समस्या है। पुरानी पेंशन, भारत का इकलौता राज्य है जहां सिर्फ पेंशन की बात नहीं होती है, प्रथम नियुक्ति की वरिष्ठता की बात करनी पड़ती है। सबसे बुरी हाल में मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, ध्यान रखना इस बात को। और आपने भी उन्हीं को वोट दे के जिताया होगा जिन्होंने आपके ऊपर नियम लागू किया है। आपको पेंशन चाहिए या प्रथम नियुक्ति की वरिष्ठता से पेंशन चाहिए, बोलिए आप। प्रथम नियुक्ति की वरिष्ठता के साथ पेंशन चाहिए। आपकी अगर पेंशन लागू भी हो जाए तो आपके किसी काम की नहीं। अगर उसमें नियुक्ति और प्रथम नियुक्ति और वरिष्ठता नहीं जुड़ती है तो आपके लिए पेंशन कोई काम की। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 5 महीने का वक्त है। अभी भी आप अगर समझ जाए तो समझ जाए और आप लागू कर दो प्रथम नियुक्ति वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन। हम आपका स्वागत सम्मान करने के लिए तैयार बैठे हैं। सही है या नहीं है? सही है। 5 महीने का वक्त है और अगर 5 महीने में आपने नहीं किया तो मैं कहने आया हूं, पूरी ताकत से कहने आया हूं, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी पर चोट करेगा हम उसे वोट की चोट मारेंगे, ये याद रखना। अगर बुढ़ापे की लाठी पर चोट आपकी पड़ेगी तो हम वोट की चोट मारेंगे। और आपको बताऊं, ये हमारे मामा मुख्यमंत्री, हमारे मामा जी हैं, क्योंकि ससुराल उनकी कहां है पता नहीं। हाँ, समझते हैं आप, इसीलिए मामा मुख्यमंत्री से मैं कहने आया हूं। उनके तमाम दूत हों बता देना, विजय बंधु को इस लड़ाई लड़ते हुए 20 FIR हुई है, 2-4 और हो जाएगी, चिंता नहीं है। नौकरी चली जाए, जेल में डाल दो, लेकिन लड़ाई अंतिम मुकाम तक मैं लेके जाऊंगा, इस बात को याद रखना। बंधु जी संघर्ष करो, मैं राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, तीनों मुख्यमंत्रियों ने मेरी बात मान ली, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बने हैं। मैं हिमाचल और कर्नाटक गया, दोनों ने नहीं मानी, वो भूतपूर्व हो गए। तीसरा नंबर कहीं आपका ना हो जाए। आप भी समझिए, आप चाहते हैं कि भूतपूर्व होना, आप